एक दो तीन चार पांच, भैया मैंने सुना पांचों के पांचों तवे पे ऑमलेट बना दो, वो भी एक साथ, वो भी डेढ़ मिनट के अंदर। डेढ़ मिनट में तो भैया बना के दिखाओ और बता देना रहे क्या कौन सा ऑमलेट बना रहे हो और क्या क्या उसमें डाल रहे हो। ठीक है ठीक है, ये हमारे एग्स हो गए। ठीक है, तो कितने अंडे जाने वाले हैं? ये 10 अंडे जाएंगे टोटल। ठीक है, तो मतलब एक तवे के ऊपर दो अंडे का ऑमलेट बनने वाला है। हाँ। तो भाई जा चुके हमारे चार अंडे इसके अंदर जा चुके हैं भाई, ये गए पांचवा छठा सातवा और ये आठवा। और भैया का ये कहना है कि डेढ़ मिनट के अंदर पांचों के पांचों भाई तवे पे ऑमलेट रेडी हो जाएंगे, मगर वो जब रेडी होंगे तो भैया हम उसका टाइम अभी से स्टार्ट करें या फिर टाइम स्टार्ट करें उसका तवे पे डालने के बाद? कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, उधर गए हैं भैया डालने के लिए अपना कॉर्न्स और भैया क्या डाल रहे हो उधर से? वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स। ठीक है, वो फ्रिज के अंदर रख रहे हैं जिससे कि फ्रेश रहे हैं। फ्रेश रहे भैया। कितना टाइम हो गया आपको काम स्टार्ट करे हुए? ये 94 से 28 साल हो गए मोस्टली। 28 साल से स्टार्ट हो चुका है काम। और 28 साल पहले जब सफर आपने स्टार्ट किया था तो एक तवे से स्टार्ट किया था भैया या फिर तब भी पांच तवे लगाए थे? एक तवे से स्टोव से। अच्छा, सिंगल वाले? सिंगल वाले स्टोव से। क्या बात है। और आज ये सफर पांच तवे में पहुंच चुका है, 10 तवे भी आएंगे, भैया कह रहे 20 भी आएंगे, मगर मैं सिर्फ पांच ही संभालूंगा। क्यों भैया, उसका कारण बताओ? टेस्ट। हाँ, ये बात तो सच है, मगर अगर मैं भी घर के अंदर दो ऑमलेट बनाऊं तो पहले के अंदर जो टेस्ट रहता है वो आखिरी वाले के अंदर टेस्ट मेरा नहीं हो पाता। तो भाई देखो मक्खन जाने वाला है, एक दो तीन, मतलब सारे के सारे तवे के ऊपर मक्खन जा चुका है। शुभम भाई जैसे ही भैया ऑमलेट डाले ना तो अपना टाइमर स्टार्ट कर दियो। ठीक है, कर दो टाइमर चालू भाई, 3 2 1, ये टाइमर चालू हो गया भैया, स्टार्ट है भाई। देखते हैं क्या डेढ़ मिनट के अंदर ऑमलेट हमारे बनेंगे पांचों के पांचों या नहीं। भैया आज हम ऑमलेट कौन सा बना रहे हैं, नाम तो बताओ इसका। हरियाली हमारा बेस्ट ऑमलेट है। तो इसके अंदर चार ब्रेड जाती है? चार स्लाइस। ठीक है, चार ब्रेड जाती है भाई, ब्रेड जो जाती है वो जाती है छोटी वाली है। अच्छा भैया डेढ़ मिनट के अंदर बना तो रहे हो, ऐसा तो नहीं कि कच्चा रह जाए कुछ, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। 23 सेकंड हो चुके हैं, 25-26 सेकंड हो चुके हैं और यहाँ पे ब्रेड लगने हमारी चालू हो चुकी है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था, मेरे को आए हुए यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। मैं सिर्फ इसलिए वेट कर रहा था कि कब ये पांचों के पांच तवे फ्री हो और वो मेरे को मिले बनने के लिए, नहीं तो भाई लगातार यहाँ पर ऑर्डर आते रहते हैं और ऐसे ही भैया पांच तवे पे लगातार काम करते रहते हैं। भैया अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग क्या रहती है, कितने बजे खुलते हो? सुबह मॉर्निंग 8 से रात 11 बजे तक। ठीक है, शाम को 11 बजे तक आपको ऑमलेट का मजा यहाँ पे मिलने वाला है। अभी तो थोड़ा दोपहर का टाइम है इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर ज्यादा है, शाम के टाइम अगर आप आओगे तो भाई यहाँ पे आपको मिलेंगे जिम वाले बंदे हैं भैया। जिम वाले बंदे है ना, ऑफिस वाले, जिम वाले, ऑफिस वाले, जिम वाले। और भैया ने अभी उसके ऊपर डाला और ओरिगैनो डाला था भैया। ठीक है, तो भाई शुभम टाइम कितना हो गया भाई? 1 मिनट 8 सेकंड हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे अंडों की पलटी लगनी स्टार्ट हो चुकी है भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आज से 2 साल पहले प्रियंका दीदी ने भैया की वीडियो बनाई थी, तब मैंने देखा था, मैंने कहा मैं भी आगे इनकी वीडियो बनाऊंगा। और भाई ये देखो मसाला डाला उसके बाद ये गई है भैया, कौन सी? तंदूरी। तंदूरी भाई, ये हो चुका है 1.5 मिनट कम्प्लीट और यहाँ पे हमारे ऑमलेट भी रेडी हो चुके हैं, बस पैक होने जा रहे हैं। डालते रहो। क्या बात है भाई, ये देखो जितनी रफ्तार से भैया यहाँ पे ऑमलेट बना बना के रेडी करते हैं उतनी रफ्तार से यहाँ पे भैया है जो इसको पैक करते हैं। क्या बात है भाई, तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं और भाई 1.5 मिनट के अंदर भैया ने पूरे के पूरे ऑमलेट रेडी कर दिए। क्या बात है, ये पैक हो जाएंगे भैया। ठीक है, हमें भी खाने के लिए देते हैं यार। अच्छा भैया मगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन क्या रहती है? लोकेशन हमारा गुड़गांव में है, ओल्ड रेलवे रोड नियर राजमहल होटल और न्यू कॉलोनी मोड सेक्टर 7। ठीक है, अगर रास्ता समझ में आपको नहीं आया तो भाई गूगल मैप पे डालना फ्रेंच ऑमलेट वाले भैया, फ्रेंच ऑमलेट। हाँ, फ्रेंच ऑमलेट डालोगे तो वो यहाँ तक आपको छोड़ के जाएंगे मैडम। और भैया को आप देख सकते हो यहाँ पे पांच तवे पे लगातार ऑमलेट बनाते हुए, क्या बात है भैया। तो भाई ये हमारा लग के रेडी हो चुका है, हरियाली ऑमलेट है ये और भाई 100 रुपये इसका प्राइस है। और बहुत सारे तरीके का ना यहाँ पे आपको ऑमलेट मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रेंच ऑमलेट है, तंदूरी क्रीम ऑमलेट है, गार्लिक ऑमलेट है, चिकन ऑमलेट है, फैट फ्री ऑमलेट, हाफ फ्राई ऑमलेट, चिली गार्लिक ऑमलेट, वेजिटेबल एग ऑमलेट, एग करी, पनीर चाट और भी बहुत सारे तरीके की आपको यहाँ पे अंडे की डिशेज मिलने वाली है। तो भाई मैं इसको इतने खाता हूँ, आप लोग जल्दी से एक काम करो, टैग कर दो अपने उन दोस्तों को इस वीडियो के अंदर जिनके साथ तुम लोग निकल जाते हो शाम को कुछ चटपटी चीज़ें खाने के लिए, कुछ हेल्दी चीज़ें खाने के लिए। भाई ये देखो कुछ इस तरीके का ऑमलेट है, छोटी छोटी चार ब्रेड है भैया ने लगाई है इसके अंदर। मैं इसको खोलूँ कहाँ से, ये ऐसे खुलेगा, देखो ये देखो क्रीम व्रीम इसके अंदर अच्छे से भैया ने डाली हुई है, तंदूरी और छोटी छोटी जो ब्रेड होती है ना निक्की निक्की वाली ब्रेड वो डाली है भैया ने इसके अंदर। इसको एंजॉय करते हैं, भाई अमूल मक्खन का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है मगर मस्त सा फ्लेवर है, 100 रुपये के अंदर बर्थ इट आइटम है। टेस्ट की बात करूँ तो एक नंबर का सौदा, चटपटा है, तीखा है, मसालेदार है और भाई असली फ्लेवर जो आ रहा है अमूल मक्खन का और भैया का मसालों का। अब पांचों के पांचों तवे को अगर आप ऑमलेट लेके खाओगे ना तो आपको एक ही स्वाद मिलने वाला है, क्योंकि भैया मेरे को बता रहे थे कि मैं 5 ऑमलेट तो संभाल सकता हूँ मगर ज़्यादा नहीं संभाल सकता। और भैया मेरे को ये बता रहे थे कि जो भैया जिसमें फैटते हैं वो टूट जाता है हर 15 दिन में, 15 दिन में छेद हो जाता होगा उसमें, है इतनी 15-20 दिन में छेद हो जाता है, इतनी रफ्तार से भैया उसको फैटते हैं कि वो 15-20 दिन में उनको बदलना पड़ता है।
तो भाई आप देख सकते हो, अगर कभी भी इसको एंजॉय करना तो आप लोग आ सकते हो फ्रेंच ऑमलेट पे। आज हम लोग खड़े हैं, गूगल मैप पे डालना, डायरेक्ट पहुंचोगे गुड़गांव में, ऑमलेट खा रहे हो। अच्छा लग रहा है हमको। खाया नहीं आपने तो अभी, ऐसे कैसी रखा है इसको, खाओ तो सही पहले और फिर मेरे को बताओ कैसा लगा। आपकी अंगूठी तो बहुत प्यारी है बेटा, अंगूठी दिखाना एक बार अपनी। भाई किसको अगर इसने मुक्का मारा तो मुंह पे शेर सब जाएगा उसके। ऐसी नहीं ऐसी। कैसा लगा आपको ऑमलेट, कैसा है? अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। चलो इसको एंजॉय करो और हम लोग भी अपना ऑमलेट एंजॉय करते हैं। तब तक आप लोग काम करो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दिलदार दोस्तों के साथ।